Daddy, what day is it today? Friday. Friday. Good morning. Good morning. Friday हो चुका है. Yes. और work from home चल रहा है इनका finally. Meeting है. 10:30 बजे. क्या? Dustbin खाली. ये dustbin खाली करना है भी करूँगा. फिलहाल हो रही नाश्ते की तैयारी. डोसा बन रहा है मेरे वाला, मुझे प्याज वाला होता है. भाई साउंड बार मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है. थैंक यू. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मैडम का और मैं आ चुका हूँ नीचे. मेरी चल रही मीटिंग्स, तो आज मैं जिम नहीं जाने वाला हूँ. और जिम वाले टाइमिंग पे मेरी कॉल है तो उस वजह से, बट कल जाऊँगा. आज वैसे मेरे को पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी ऐसे ऐसे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, तो आज जाने का लग नहीं रहा. एक दिन रेस्ट लेता हूँ फिर कल से जिम वापस कंटिन्यू करेंगे. वीकेंड आ चुका है, कैसा महसूस हो रहा है? फिर से सफाई करने का एक मौका मिलेगा हमको. हमको नहीं, मुझको. अच्छा, जैसे कि मैं तो करता ही नहीं. स्टार्ट बोल इस बार देख लो, देख लो, देख लो. बस उसका मैं हर समय सफाई करता रहता हूँ और बोल रही हूँ कि मुझको. गिराज तुमने छुआ भी नहीं आज. आज का मेरा मील है ये विद 40 ग्राम्स प्रोटीन, 465 कैलोरीज. और घर में कुछ और भी बनाया है, आदम से बनाया कुछ इंटरेस्टिंग सा. मैं अपने वाला मील खाने वाला हूँ, साथ में इसका भी थोड़ा सा ट्राई करूँगा. अभी तक मैंने जितने मील्स खाए ना उसमें से स्टैंड आउट करे थे 2-3 मील्स. एक तो था बटर चिकन वाला, एक था तंदूरी चिकन वाला और एक था जर्क चिकन, जिसमें साथ में एक बनाना भी आता है. और उसमें हर डिश में ना पालक है बहुत ज़्यादा, तो उससे आई थिंक कुछ एक पोर्शन मिलता होगा प्रोटीन का या आयरन का. और बाकी कुछ जो थे, एक तो पास्ता था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, एक था पाठा एंड नूडल्स वो भी अच्छा नहीं लगा, एक कुछ और भी था. कल जो मील था वो मैंने बड़ी मुश्किल से निकला है, वो दिव्या ने कुछ घर पे बनाया था, उसके साथ किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया खाने के लिए. बट वो बहुत ड्राई था, मतलब उसमें कुछ एक प्रोटीन सोर्स था, साथ में पालक बहुत सारा और बहुत कड़वा था. ये क्या बना है? पनीर. This is chili paneer in a bed of rice. It's not rice in chili paneer. It's chili paneer on a slight bed of rice by bed Arvind. Bed of rice. Yeah. Bed of rice. तड़के की वो आ रही है. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया व्लॉग में कि मैं आज जिम नहीं जाऊंगा. और बट हुआ ये है कि मेरी एक मीटिंग थी जो थोड़ी जल्दी ख़त्म होगी, तो आई थॉट चलते हैं जिम फिर थोड़ा लाइट एक्सरसाइज कर लेंगे. लेकिन एक चक्कर लगाऊँ, हाजिरी लग जाती है तो आपको एक ना रूटीन बन जाता है. मुझे पता है मैं रूटीन की बातें कर रहा हूँ और बार बार मेरा रूटीन टूटता रहता है, बट ट्रस्ट मी इट्स सो डिफ़िकल्ट, स्पेशली जिस फील्ड में मैं हूँ ना उसमें ऐसा हो जाता है कि यार बस ये फाइल भेज के चला जाता हूँ. मतलब 9 to 5 वाला हिसाब नहीं है और इस काम को 9 to 5 वाले ब्रैकेट में आप कर भी नहीं सकते. क्रिएटिव वाली क्रिएटिव चीज़ है ना, तो आइडिया टाइम देख के नहीं आता, ये प्रॉब्लम है. फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, आके आपसे बात करते हैं. कीचू को पिक करने आज दिव्या जाएगी और आई एम श्योर कीचू बहुत खुश होगा, क्योंकि हर बार वो मुझे बोलता है कि पापा आप मुझे ड्रॉप करो और मम्मा मुझे पिक करनी चाहिए, ऐसा बोलता है मुझे. वी आर गोइंग टू रैडफोर्ड फैमिली हाउस. नो द स्कूल इज नॉट ओपन, आवर हाउस इज ओपन एंड टुमारो इट्स ज़ेन्स बर्थडे. Yeah. Okay, today now. It's tomorrow. Oh yeah. Okay. Me. What? We need to buy a gift for him. But we can't buy for you. We need to buy for Zen. It's Zen's birthday, right? Zen. I can have Zen today. Not really. Zen said it. Not really. इधर देखो. अच्छा इधर देखो, ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना. जैन का बर्थडे तो जैन को ही मिलेगा ना गिफ्ट. कह रहे जैन ने मुझे बोला है कि मैं ले सकता हूँ. अच्छा अच्छा, ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो. यू लाइक स्पाइडरमैन? वैसे मैंने डिसाइड किया था जिम नहीं आऊँगा, लेकिन मैं जल्दी फ्री हो गया था तो मैं आ गया. Thank you.
लग चुके हैं डीप क्लीनिंग में, ये रूम ऑलमोस्ट कर दिया मैंने। दिव्या नीचे वाले यूटिलिटी एरिया में है, ये वाला रूम ऑलमोस्ट कर दिया। अभी ये वेट्स जो हैं ये मैं रिसाइकलिंग में देने वाला हूँ, दूसरे वेट्स लेने वाला हूँ जो मॉड्यूलर वेट्स होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो टाइम बहुत लगता है चेंज करने में, उस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं घर पे वर्कआउट ना करूँ। ये मेरे ट्रेनर ने मेरे को बोला भी था, बट ये सस्ते मिल रहे थे मुझे लगा ये ले लेते हैं। बट फिर पापा की एक बात याद आ गई अभी, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। सस्ती चीज़ आपको बार बार लेनी पड़ती है, महंगी चीज़ आप एक बार लेते हो ना वो बहुत लंबी चलती है। तो वो ये सस्ता था, मैंने कहा ट्राई करता हूँ मैं रेगुलरली कर भी रहा हूँ कि नहीं। अब तो मुझे पता है कि मैं काफ़ी रेगुलर हूँ वर्कआउट में, तो ये वाले डंबल्स जो हैं इसको डिस्कार्ड करके आई बाय ओनली वो दो डंबल्स का सेट आता है जिसमें सारे वेट्स होते हैं, मॉड्यूलर होता है, आप ऐसे स्विच करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो वो मेरे को ट्रेनर ने सजेस्ट भी किए थे पहले कि कीचू हाई करने आया है। फाइनली स्टोर साफ हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा सामान है वो अर्चना देखेंगे। कुछ तो बर्तन ही उनको तो वही रखना है, बट मेन था ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और दिन एक और व्लॉग बनाने की कोशिश। वो आजकल ये हो रहा है कि एक दिन की फुटेज से ना पूरा व्लॉग निकल नहीं पाता, मतलब एक डेढ़ दो मिनट की फुटेज निकलती है मुश्किल से। तो फिर हम कंपाइल करते हैं तीन चार दिन की फुटेज और बनाते हैं व्लॉग। भाई अभी अभी एक कंप्लेंट हुई है हमारे अगेंस्ट, मतलब एक ईमेल नोटिस आया है कि किसी ने नॉइस कंप्लेन करी है कि बहुत आपके घर से शोर आता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि कल हम लोग नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे थे, शायद कोई एक इंटरेस्टिंग सा शो था और वो साउंड बार लगा हुआ तो उससे शायद काफ़ी लाउड आवाज़ आती है। और एक दो बार वो म्यूज़िक के लिए भी बोल चुके हैं, इसलिए मैंने सेटअप वापस यहाँ कर दिया था कि उस तरफ करता हूँ ना तो पड़ोसी की दीवार टच हो जाती है, तो हो सकता है वहाँ आवाज़ जाती हो। बट रात को तो मैं वैसे भी हेडफोन पे काम करता हूँ, तो आई एम श्योर कि मेरे रूम से कोई नॉइस नहीं गई है। बट नीचे हम लोग कल वो देख रहे थे जब वो एक वो जो फ्लाइट के ऊपर एक ICI-18 जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी उसके ऊपर एक शो आया नेटफ्लिक्स पे, तो वो देख रहे थे तो बहुत देर तक, शायद एक डेढ़ बजे तक चल रहा था वो शो, तो शायद वो डिस्टर्ब हो गए। और अभी नोटिस आया हमें कि आपके यहाँ से ऐसे कंप्लेन आई है नॉइस की, तो फलाना ढिंग रहा, तो बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें पढ़ रहा हूँ मैं। Yes. Good morning. Saturday हो चुका है। आज इनके एक फ्रेंड है बहुत ही जिगरी दोस्त जो नर्सरी के, उनका बर्थडे है तो इनको वहाँ लेके जाना है। फिलहाल तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं इस समय। मैं एक्चुअली सुबह से उठा हूँ, मेडिटेशन कर रहा था, बट अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, पार्टी पे जाना है अराउंड दोपहर को मेरे ख्याल से 12-1 बजे के करीब। तो अभी बेचारा 4 घंटे वेट कैसे करेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। दिन की शुरुआत की जाए, खिड़की से बाहर देख रहे हैं फिलहाल हम लोग और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। What's up, dude? अलग अलग चीज़ों का शौक चढ़ता है बच्चों को। हाँ, मेरी ब्लैक शर्ट्स खत्म हो गई हैं, अब मैं वाइट पे आऊँगा। वैसे मेरा बस चले ना तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं रोज़ वाइट ही पहनूँ, लेकिन वो इतनी मुश्किल हो जाती हैं मेंटेन करनी। ये तो क्या ना, आप 5-6 शर्ट लिया आपको पूरा हफ्ता निकल जाता है। वाइट शर्ट में क्या है वो धुलना, धुलने के बाद वो ना थोड़ी सी ब्लूइश हो जाती हैं, तो मज़ा नहीं आता। आओ मुक्का क्यों मार रहा है, कल दिनों में नो दैट रियली हर्ट मी। आओ यस ये सब वो सामान है जो हमने इकट्ठा किया है जो कि फेंकना है। भाई ने मांगा है राइस क्रिस्पी, नो आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स, भरोसा नहीं होता ऐसी पैकेजिंग पे।
I'm gonna just show you this bit. Okay, give me. Always power, four colors, always power, four. Open again. Yeah, I've got eight. नाश्ते की तैयारी। Lamborghini, pink, pink, hello. जब भी कैमरा आता है पहले हेलो बोलता है आजकल। Bye bye. Your turn, sing. Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Can you do K? K K K K K. Sometimes you need to observe to learn. Look, like I'm holding a ball. B C D E F G H I J K L M N O P. क्या था ना 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 इसको समझ में आ गया कि मैंने म्यूट किया अभी क्या आई एम डूइंग माय वर्क फील ले रहा भाई और ना इसने लगभग फिगर आउट कर लिया कि मैंने कैसे म्यूट किया है म्यूजिक क्लास हो गई की चुकी अब हम आ गए फुटबॉल खेलने के लिए पापा कम विथ लेवर कॉटिश पापा लेवर कॉटिश लेवर वॉक हेलो हाय फाइव हाय फाइव हाय फाइव ये हाय फाइव ये हाय फाइव हाय फाइव ये भी है ओके व्हाट आर यू डूइंग अभी डू माय होमवर्क होमवर्क वन ड्रॉप ये सब सामान जा रहा है अब गाड़ी में रिसाइकलिंग सेंटर जाएगा ये बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो साइज़ में छोटे हो चुके हैं कुछ श्रिंक हो गए हैं कुछ ढीले हो गए हैं तो यूज़ेबल नहीं है अब तो ये रिसाइकलिंग में जाएंगे सब मुझे लग रहा है एक पैकेट और बन जाएगा इसका अंदर सब गाड़ी भर चुकी है अभी जाएगी रिसाइकलिंग में सालों साल पड़ी रहती है चीज़ें कि यूज़ हो जाएगी आई थिंक हम सबकी मेंटालिटी ऐसी होती है एक टाइम पे स्पेशली इंडिया से जब हम आए ना तो हम कोशिश करते हैं हमारी इमोशनल अटैचमेंट बहुत होती है चीज़ों के साथ तो हम कोशिश करते हैं रख लेते हैं बाद में काम आ जाएगा यहाँ पे आके मैं एकदम अपोजिट हो चुका हूँ उस चीज़ का एकदम मेरे को इतनी इरिटेशन होती नहीं जब सामान पाइल अप होता रहता है अंदर एक रहता है कि हाँ यार ये यूज़ हो जाएगा बट होता क्या है कभी कभी आप 3 महीने तक यूज़ नहीं हुई चीज़ 4 महीने तक यूज़ नहीं हुई चलो विंटर और समर्स का हम समझ में आता है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से गैराज में बस रखी हुई हैं सजा के तो मुझे लगा वक्त आ चुका है वो निकालने का पुराने कपड़े सारे इसमें डाल दिए रिसाइकलिंग के लिए इस सामान के लिए मैं आ चुका हूँ मेन रिसाइकलिंग सेंटर में देख सकते हो आप इसको लग रहा है इसने हेडफोन पहने हैं बटे हैं नहीं या ये है हमारा नाश्ता रोटी एंड छोले कूल
कीचू ने जाना है अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे, उसके लिए तैयार किया जा रहा है इसको. Yeah. Oh my cool baby. Do you want to pull up the sleeves a bit? Yeah. Or is it nice like that? सफाई अभियान अभी भी चालू है. दिव्या गई है बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए और मैं कीचू को ड्रॉप करूंगा वहाँ पे जब दिव्या गिफ्ट लेके वहाँ पहुँचेगी. वो इसको साथ लेके जाना चाह रही थी क्योंकि ये फिर अपनी शॉपिंग में लग जाता है. तो आप समझ सकते हो जिनके बच्चे हैं. मामों को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कीचू को तैयार करने की, वो इन्होंने कर दिया है. स्मार्टी बॉय बना दिया एकदम. और ये हमारे घर में डिस्को. विक्रम भाई भी बर्थडे सही डिस्को बना रहे हैं. हेलो जी, सुबह से हो रही है सफाइयाँ. गैराज फाइनली साफ हुआ है और थोड़ा बहुत जो बचा है साइड वाले शेल्फ वो अर्चना कर रहे हैं. उसमें डॉक्यूमेंट्स और कीचू की कुछ कुछ चीज़ें हैं तो वो अच्छे से सेट कर रहे हैं. फिलहाल 2 बजे हमें जाना है अभियुक्त की एक बहुत अच्छे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में और नर्सरी में वो दोनों साथ हैं और अभी बहुत अटैच्ड है उससे. तो हम लोग बस गिफ्ट विफ्ट नहीं लिया था तो अभी मैं गिफ्ट लेने आई हूँ. अर्जुना तब तक उसको तैयार कर देंगे और वो सीधा मुझे फिर वेन्यू पे मिलेंगे जो हमारे घर के बस 5 मिनट दूर है. तो बस चलते हैं और कुछ ले लेते हैं गिफ्ट अच्छा सा. वो इतना तेज़ है मैं उसको सुबह से समझा रही हूँ कि गिफ्ट देना होता है, शेयर करते हैं और ये वो, मतलब कि गिफ्ट देना होता है और बर्थडे होता है तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट मिलता है. और वो तो मुझे कह रहा है नहीं, बट जैन ने मुझे कहा था कि वो मैं उसका गिफ्ट ले सकता हूँ. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मतलब बहुत ये सिखाना पड़ेगा अभी थोड़ा सा. कोई नहीं, सीख जाएंगे. मैं उसको यही समझा रही हूँ. मैंने कहा आपका बर्थडे था तब जैन को आपने गिफ्ट दिया था, तो कहता नहीं. मैं कहा बस यूके में गिफ्ट्स लेने हो तो ये बहुत अच्छा एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, लोकेशन है. या हर रेंज के गिफ्ट्स मिलते हैं. तो जी यार मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ अब बर्थडे पार्टी पे. इंटरेक्शन देख रहे हो इसके आप. वेयर आर यू गोइंग अभी? क्रिसमस पार्टी. यस कम ऑन गो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कीप वॉकिंग. Hi, Avi. You can pick it up and you can see me. Can you see me? वेलकम बैक टू द व्लॉग. वक्त हो रहा है इस समय रात के 8. अभी दिन छोटे होने लग गए हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब अंधेरा होने लग चुका है. पहले 10-10, 11-11 बजे तक रोशनी रहती थी. एनीवे कीचू आज इतना बोल रहा था ओह नो इट्स डार्क आउटसाइड. तो अपने वो बर्थडे पार्टी अटेंड करके आ चुका था लगभग 5:30 के करीब. मैं अपना कुछ सबमिशंस कर रहा था वो सिंगल्स और वो सबकी. और फिलहाल हम सब लोग तैयार होकर निकल रहे हैं इस समय विक्रम मेघा के यहाँ, जहाँ पे आज गौरव भी आने वाले हैं फाइनली. तो वी आर गोना मीट. बस अभी 5 मिनट में निकलेंगे. रेडी हो चुका हूँ मैं इस पोशाक में, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, वाइट शर्ट्स पे आ चुका हूँ. अभी चाची दिख भी नहीं रही है भाई, थोड़ा लाइट में आना पड़ेगा. बहुत दिनों बाद अभी चाची और गौरव चाचू से मिले हम. इसके बाद हम व्लॉगिंग बंद कर देते हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं. भूल गया लगता है ये हमें. भूल गया, आज रो रहा था कि हम उनके घर क्यों नहीं जा रहे हैं. अच्छा भूल गया, तो कह रहा हूँ आ जाओ जल्दी. हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है. चलो ओवर, पार्टी ओवर भाई. ओके भाई मिलते हैं, फिर मिलते हैं आराम से. डन, आपके यहाँ पे मिलते हैं. हमारे यहाँ. बाय बाय. चलो भाई ध्यान से जाना. हाँ जी भाई ध्यान से जाना, फिर आराम से पहुँच के एक बार मैसेज करना. हाँ पक्का. चलो बाय बाय, टेक केयर. ओके इट्स दैट साइड. सैटरडे पार्टी ओवर, टाइम टू गो होम. तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर, 1:30 बज चुका है. लेकिन अच्छी मतलब गेट टुगेदर होगी. काफ़ी टाइम के बाद हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अभी बीच में विक्रम मेघा गए हुए थे इंडिया और हमारे यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी ऑक्यूपाइड थे. गौरव अभी बिजी थे अपने नए घर के उस सिलसिले में. तो फाइनली
अब हम मेरे ख्याल से सारे इकट्ठे हुए हैं डेढ़ दो महीने के बाद. बट इट वॉज़ अ ग्रेट नाइट, मज़ा आया, अमेजिंग फूड, अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस. और फिलहाल आज का दिन यही ख़त्म होता है, हम जा रहे हैं अब सोने, कल मिलेंगे अब आपसे. ऑल राइट, जो लाइट है हमारी ख़राब हो चुकी है इसलिए डीजे वाला इफेक्ट आ रहा है. It says you should use this to clean your hand. Yeah. Okay, Kichu and Mama, say bye-bye to everyone. Bye-bye, everyone. Bye. Kichu, flying kiss de do, please. Aur namaste kar do ek baar. Namaste. Namaste. वैसे इस व्लॉग के बाद सब्सक्राइब तो बनता है यार.